क्योंकि ये एक प्रकार का प्राणायाम है, सिगरेट पीना एक प्रकार का प्राणायाम है। सिगरेट इंडस्ट्री दे रही है मेरे को। ये सब सोचने की बजाय आपको यह देखना है कि मानव जाति का कल्याण करते हुए और स्वयं का कल्याण करते हुए मैं अपने जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी सार्थक एक्टिविटीज कर सकता हूं जिससे मेरा भी, मेरा शरीर का विकास हो, मेरे मन का विकास हो, मेरी चेतना का विकास हो, समाज का विकास हो। ऐसे कितने अधिक से अधिक मैं एक्टिविटी कर सकता हूं, वो एक्टिविटी रूबी क्यूब सॉल्व करने भी हो सकती है, नानचाको चलाने भी हो सकती है, जगलिंग करने भी हो सकती है, गिटार बजाने भी हो सकती है, पियानो बजाने भी हो सकती है, फ्लूट बजाने की भी हो सकती है, राइट टू रिकॉल छह नंबर यानी कि प्रेशर कुकर भी हो सकती है, बहुत सारा लिखने की भी हो सकती है और बहुत सारा बक बक करने की भी हो सकती है, बहुत सारा पढ़ने की भी हो सकती है, बहुत सारा ध्यान लगाने की भी हो सकती है। लेकिन मैंने पूछा कि सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं क्या, तो गुरुजी ने बोला हां, सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। दुनिया के सारे माता पिताओं की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे अखबारों की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे सरकार की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे शिक्षकों की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, और ये सब निभाने के लिए दुनिया का सारा पैसा और दुनिया की सारी ताकत भी मेरे को दे दो। है ना, एंड आई मीन इट इज नॉट अ जोक, ठीक है। क्योंकि आज मैं बात करूंगा मेरी स्मोकर से नॉन स्मोकर की जर्नी के बारे में। तो आई स्टार्टेड स्मोकिंग इन 2010 आईआईटी के फाइनल ईयर में, क्योंकि आईआईटी के फाइनल ईयर में मुझे जॉब करते हुए 2 साल हो गए थे, मैं जॉब करने लग गया था। आई स्टार्टेड टीचिंग इन आईआईटी जेई कोचिंग्स। वैसे आईआईटी के अंदर क्या है कि सिगरेट का तो बहुत प्रचलन है, एक्सट्रीमली कॉमन। सिगरेट गालियां पॉन इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। इसके बारे में बाहर कोई बात नहीं करता है क्योंकि अधिकतर लोग दुनिया में मिथ्याचारी हैं, सत्याचारी नहीं है। सत्य बोलना, सत्य धारण करना वैसा नहीं है। बट कमिंग बैक टू सिगरेट, तो आईआईटी के शुरुआत के दिनों में, शुरू से लेकर अंत तक तो मैंने सिगरेट नहीं पी, लेकिन फाइनल ईयर में आते आते सिगरेट पीना शुरू हो गया और कैंपस के बाहर निकलना भी शुरू हो गया। और कैंपस के बाहर जो और आईआईटीयंस थे, जो और फैकल्टी थे, आईआईटी जेई फैकल्टीज थे, उनके साथ नियमित रूप से सिगरेट पीना शुरू हो गया। कोई सिगरेट आती थी, नाम क्या लेना उसका, एडवांस करके एक सिगरेट आती थी, उसका मेन नाम छोड़ दो, वो एक एक लेना शुरू हुआ, एक एक लेना शुरू हुआ, फिर दो दो लेना शुरू हुआ, फिर तीन तीन लेना शुरू हुआ, फिर एक डब्बे के अंदर चार चार लेना शुरू हुआ, फिर आधा डब्बा लेना शुरू हुआ, फिर दस दस लेना शुरू हुआ, फिर डब्बा लेना शुरू हुआ, ठीक है। और 2016 तक आते आते वो पूरा 20 सिगरेट्स का पैकेट बन चुका था। तो 2016 में जब आई स्टार्टेड सुपीरियर सोसाइटी एंड आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई बिकेम बैंकरप्ट, देन आई शिफ्टेड टू बीडी। और 2017 में आई वॉज फोर्सफुली टेकन बैक टू होम इन अजमेर फ्रॉम दिल्ली। I was living in Delhi. I had my own place, one single room. We had bought it. It is still there, but I was living there. I was doing all this revolution, superior society stuffs. But then my family came there and they took me to Ajmer home. In 2017, September 2017. Till September 2017, I was regularly smoking.
फ्रॉम 16 टू 17 आई वॉज रेगुलरली स्मोकिंग बीड़ी, बिफोर 16 आई वॉज रेगुलरली स्मोकिंग सिगरेट्स. सो सेप्टेंबर 2017 में बेसिकली बहुत सारे इवेंट सीक्वेंस हुए. व्हेन आई वॉज टेकन टू होम, इवन आफ्टर दैट आई रैन अवे फ्रॉम हेयर, देन आई ऑन माई ओन केम बैक टू माई होम इन नवंबर 2017. सो नवंबर 2017 है वो टर्निंग पॉइंट. तो नवंबर 2017 में क्या है कि सर्दियां आ चुकी है और मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूं, वही सुपीरियर एक्टिविटीज कर रहा हूं, सुपीरियर सोसाइटी बिल्ड कर रहा हूं. सर्दी भी आ चुकी है और चाय नाश्ता भी आता रहता है कमरे में. तो अब क्या है कि यहां पर स्मोकर जो होता है उसकी जो तलब होती है वो ट्रिगर होती है. तो मैंने पाया कि मेरी बॉडी उसकी डिमांड नहीं कर रही है, क्योंकि आप घर में अगर मुझे लेकर आया गया है तो घर में तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, बेसिकली घर में यू कैन नॉट स्मोक. तो अगर मुझे बीड़ी पीनी पड़ती तो, और चूंकि मेरे इलाके में सब लोग मुझे जानते हैं, तो बीड़ी पीने के लिए कोई दूर कोई थड़ी तलाशनी पड़ती, वहां पर खोपचे में जाके पीनी पड़ती, ये सिनेरियो रहता. बट नवंबर 2017 आ गया और सर्दियां आ गई, चाय नाश्ता आ रहा है और वहां पर बेसिकली एक स्मोकर के अंदर से वो ट्रिगर पैदा नहीं हो रहा है. कभी कभी ऐसे याद आती है ना कि वो तो मेरा मोमेंटम था ना 6 इयर्स का 7 इयर्स का, तो उस मोमेंटम की वजह से कभी कभी याद आती. तो आई यूज टू फील लाइक गोइंग देयर एंड स्मोक, बट देन आई वुड थिंक कि यार वहां तक कौन जाए और छोड़ देते इसको, हटा. मतलब नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग, बट अभी रहन दे यार, लेट इट बी. तो इस प्रकार से एक दिन गुजर गया, फिर दो दिन गुजर गया, फिर एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, दो महीना, तीन महीना. नवंबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक, सो ये कुछ 10-11 महीने का जो पीरियड था, दैट वॉज कंप्लीटली नो स्मोकिंग जोन. देन आई वेंट टू दिल्ली इन अक्टूबर 2018, देन आई स्मोक्ड देयर. I only smoked there. I did not start smoking again because I had realized that I can stay away from this smoke for a reasonable period of time, like 10 months straight. I realized that. I had not realized that earlier. Why? Because I never got this opportunity. I was not forcefully or by any way I was not put at a distance from a cigarette. मतलब सिगरेट शुरू करने के बाद after 2010 और November 2017, इसके बीच में कभी ये opportunity ही नहीं मिली. उसके बीच में जब भी मैं घर विजिट करता था, I used to visit for a day और 2 days और 3 days, तो उन 2-3 दिन के अंदर भी कहीं बाहर जाकर किसी थड़ी पर जाकर स्मोक कर लिया. बट इतने लंबे पीरियड के लिए स्मोक से दूर रहने का जो एनवायरमेंट, इसमें कुछ भी फोर्स नहीं था, बस एक एनवायरमेंट था, एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो वो मुझे रियलाइज हुआ. क्या रियलाइज हुआ? दैट आई वॉज एक्चुअली नॉट एडिक्टेड. दिस इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर. वो तो क्या है कि 7 सालों तक आई वॉज मेकिंग गुड मनी, एंड इवन व्हेन आई वॉज नॉट मेकिंग मनी, तो बीड़ी हाथ में थी तो मेरे पास वो लिबर्टी थी,
वो एनवायरमेंट था कि इधर सिगरेट का कॉल आया और यहां पर एक हाथ की दूरी पर ही सिगरेट या बीड़ी अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल होती थी। तो वो ऐसा, वो सीन ऐसा लगता था कि मैं एडिक्टेड हूं। बट व्हेन दोज थिंग्स वर टेकन अवे फ्रॉम मी, नॉट टेकन अवे फोर्सफुली बट जस्ट टू क्रिएट अ न्यू एनवायरमेंट, न्यू तो क्या, घर का एनवायरमेंट, व्हेन नोबडी यूजुअली स्मोक्स, तो उसमें रहकर मुझे पता चला कि आई वॉज एक्चुअली नॉट एडिक्टेड, आई वॉज नेवर एडिक्टेड, आई वॉज नॉट स्लेव ऑफ निकोटिन। तो उसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि सुपीरियरिटी के मार्ग पर मेरा चलना। 2005 से 2016 तक तो सुपीरियरिटी के मार्ग पर मैं पार्ट टाइम में चल रहा था। 2016 से लेकर आज तक मैं सुपीरियरिटी के मार्ग पर फुल टाइम चल रहा हूं। तो इसके बीच 2010 में सुपीरियरिटी का जो मेरा मार्ग था वो इतना ज्यादा प्रबल नहीं था, इसकी वजह से मेरे जीवन में खालीपन था, मेरे जीवन में एम्प्टीनेस थी, मेरे जीवन में काफी स्ट्रेस था, फ्रस्ट्रेशन बहुत था। और उस स्ट्रेस को, उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के उतने मार्ग मेरे पास नहीं थे जितने 2016 तक आते आते मेरे पास तैयार हो गए थे। सो 2016 तक 17 तक मेरा सुपीरियरिटी का मोमेंटम इतना तेज हो गया था, सुपीरियरिटी का मोमेंटम मतलब कि आनंदित रहने का मोमेंटम इतना तेज हो गया था कि जब सिगरेट और बीड़ी को मुझसे दूर रखा गया तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुई उसकी कमी, मुझे उसकी कमी रियलाइज ही नहीं हुई क्योंकि मैं पूरी तरीके से सुपीरियरिटी में डूबा हुआ था। सुपीरियरिटी से जो डोपामीन रिलीज होता है, जो आनंद बरसता है, उसमें पहले से ही था और उसके पहले मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तो एडिक्टेड हुई नहीं। ठीक है, सो ये सबसे मुख्य पॉइंट है जो मैं आपको गिनाना चाह रहा था कि सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलने की वजह से वो स्मोकिंग मेरी जिंदगी में कभी समस्या बनी ही नहीं। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मुझे 10 महीने उससे दूर रहने का मौका मिला, तो आई रियलाइज कि हां, वैसे भी कोई अच्छी चीज नहीं है, तो जब मौका मिल ही गया है और मैंने पहचान लिया है, ठीक है। हाँ, तो उसके पहले आई एक्चुअली नेवर कंसीडर्ड कि इट इज अ बैड थिंग, आई यूज टू थिंक इट इज फाइन, इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज, क्योंकि मेरे अंदर कोई उसने डैमेज कभी किया भी नहीं, ना मुझे कोई हेल्थ इश्यूज हुए उसकी वजह से, ना मुझे कभी स्टैमिना का इश्यू हुआ और ना कभी मतलब मेरा जो प्रोफेशन था, फैकल्टी वाला प्रोफेशन था, उसके अंदर ना उसने कभी कोई रुकावट पैदा की। हालांकि वो बाद में जाके रुकावट पैदा कर सकती थी, ठीक है। बट इसमें जो दूसरा बिंदु है जो मैं आपकी नजर में लेकर आना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के नशे की तरफ व्यक्ति दौड़ता क्यों है, विशेषकर जो सिगरेट वाला है और जो तमाकू वाला है, तमाकू चबाने वाला, दबाने वाला और सिगरेट वाला, ये जो प्रमुख नशा है, सिगरेट वाला नशा, टबाको बेस्ड नशा, फिर उसके बाद तो वो वाला कैटेगरी है शराब की, ड्रग्स की, गांजे की, भांग की, वो एक अलग कैटेगरी है। बट ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है स्पेसिफिकली सिगरेट वाली, उसमें से भी इसमें एक गंभीर बात आपको समझने की जरूरत है, किसी भी तरफ, किसी भी नशे की तरफ आदमी बड़ी सी ले रहा है क्योंकि उसके अंदर कमी है, फुलफिलमेंट की कमी है, सुपीरियरिटी की कमी है और सबसे बड़ी बात फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है। और किसी भी व्यक्ति के फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में भरे होने का जो कारण है वे है माता पिता, शिक्षक, अखबार और सरकार। ये वो चार फैक्टर्स हैं जिनको मैं जिम्मेदार ठहराता हूं हर एक समस्या के लिए,
जो मुझे नजर आती है और जिससे मैं ग्रसित रहा या हूं, सारी समस्याओं के कारण यही है। और ये कोई कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं है, ये सत्य स्पीकिंग एटीट्यूड है। सत्य स्पीकिंग एटीट्यूड, कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो ये होता कि इन्हीं को मैं कारण बता रहा हूं और इन्हीं से मैं आशा रख रहा हूं कि ये कुछ करेंगे। लेकिन जो सत्य स्पीकिंग एटीट्यूड है वो सिर्फ सत्य गिना रहा है कि इसका कारण क्या है, इसका निवारण कौन करेगा। निवारण करूंगा मैं, मेरी जिंदगी का निवारण करूंगा मैं, सुपीरियरिटी को धारण करूंगा मैं। वो माता पिता नहीं करेंगे, वो शिक्षक नहीं करेंगे, वो अखबार नहीं करेगा, वो सरकार नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक ये जो जिम्मेदारियां इन सबको दी गई थी वो सारी जिम्मेदारी मेरे को दे दी नहीं जाती है। दुनिया के सारे माता पिताओं की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे अखबारों की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे सरकार की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, दुनिया के सारे शिक्षकों की जिम्मेदारी मेरे को दे दो, और ये सब निभाने के लिए दुनिया का सारा पैसा और दुनिया की सारी ताकत भी मेरे को दे दो, है ना? And I mean it, it is not a joke। ठीक है, क्योंकि माता पिता बनना आता नहीं है, लोगों को शिक्षक बनना आता नहीं है, सरकार बनाना आता नहीं है, ना अखबार चलाना आता नहीं है, सब सब बर्बाद, एब्सोल्यूट डिसग्रेस। ठीक है, तो वे कारण होते हैं जिसकी वजह से आदमी को स्ट्रेस होता है, उसको अकेलापन होता है, खालीपन होता है, अकेलापन, सिगरेट अकेलेपन को दूर करती है। लेकिन मैंने अपने अकेलेपन को दूर किया गिटार से, पियानो से, तबला से, ढोलक से, बांसुरी से, रूबी क्यूब से, जगलिंग से, नानचाकू से और भी बहुत सारी चीजों से मैंने अपने अकेलेपन को दूर किया। लेकिन मैं तो क्या है कि अनुभवों के मामले में बहुत अति लालची आदमी हूं, इसलिए ये सब अनुभव पाने के बाद भी मेरी सिगरेट चलती रही। दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, सिगरेट बस चलती रही क्योंकि उसको दूर रखने के बारे में, उससे दूर रहने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब मौका मिला तो वो दूर हो गई। और सिगरेट तो इतनी स्मार्ट चीज है, स्मोकिंग, उसका जो मैकेनिज्म है, जलाई ये क्या हो रहा है दुनिया में? पेड़ काटने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो इंडस्ट्री है वो सिगरेट इंडस्ट्री है। और ये सिगरेट इंडस्ट्री ने क्या थमा दिया मेरे हाथ में, और ये हो क्या रहा है? सिगरेट इंडस्ट्री क्या कर रही है? सिगरेट इंडस्ट्री दे रही है मेरे को रिलैक्सेशन दे रही है। दुनिया में सारा प्रपंच रिलैक्सेशन का ही है। चाय क्या कर रही है? रिलैक्सेशन दे रही है। कॉफी क्या दे रही है? रिलैक्सेशन दे रही है। पॉन क्या दे रही है? रिलैक्सेशन दे रही है। ये कपलिंग जो लोग शादी की गुलामी में फंस जाते हैं वो क्या है? वो किसके पीछे भाग रहे? वो रिलैक्सेशन के पीछे भाग रहे। पिज्जा क्या दे रहा है? वो रिलैक्सेशन दे रहा है। अरिजीत सिंह का गाना क्या दे रहा है? क्रिकेट मैच क्या दे रहा है? हॉट स्टार क्या दे रहा है? वेब सीरीज क्या दे रहा है? ये सब रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि उसको देखने के बाद, उसको करने के बाद, उसको पीने के बाद, ये खाने के बाद, ये देखने के बाद, आदमी रिलैक्स हो जाए। तो और मैं क्या ज्ञान पेल रहा हूं मैं पिछले 15 दिन से? सांस को देखना है और रिलैक्स हो जाना है। और ये रिलैक्सेशन ही बुद्धत्व का मार्ग है, एनलाइटनमेंट का मार्ग है। जितना आदमी स्ट्रेस फ्री हो सकता है, जितना आदमी रिलैक्स हो सकता है, उतना वो बुद्धत्व के अवेकनिंग के आत्म साक्षात्कार के करीब है। ये जो शब्द है एनलाइटनमेंट, जो शब्द है बुद्धत्व, जो शब्द है आत्म साक्षात्कार, ये श्याम मानव को पसंद नहीं आएंगे। श्याम मानव कौन है? श्याम मानव अंधविश्वास निर्मूलन समिति का मालिक है,
वो इस सब का विरोध करता है, सारी स्पिरिचुअल और धार्मिक बातों का विरोध करता है। हालांकि जो हिंदू कम्युनिटी है वो उसका विरोध करते हैं कि तू हिंदू अंधविश्वास का क्यों विरोध करता है, तू मुसलमानों के अंधविश्वास का विरोध तो नहीं करता है, तू ईसाइयों के अंधविश्वास का विरोध तो करता नहीं है, ठीक है, तो वो उनकी आपसी क्लैश है ना। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि श्याम मानव इन सब का विरोध करने के बाद, किन सब का विरोध करने के बाद बोले कि चक्रवाकर का नाटक कुछ नहीं, कोई आध्यात्म नहीं, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कोई तीसरी आंख नहीं, कोई आत्म साक्षात्कार नहीं, कोई एनलाइटनमेंट नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में, बेहतर बनाना है अपनी जिंदगी को, तो मेरे उस वीडियो में जाकर देखो, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक मिलेगी। तो अल्टीमेटली घूम फिर कर वो भी रिलैक्सेशन पे ही आ गया। श्याम मानव भी अल्टीमेटली घूम फिर कर रिलैक्सेशन पर ही आ गया। रिलैक्सेशन की बात ही बार बार अब्राहम इक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन की बात ही बार बार टील स्वान कर रही है, एका टोल कर रहा है रिलैक्सेशन की बात। और ओशो तो पूरा सांस को लेकर पता नहीं क्या क्या उसने तो बोल दिया, वन टोटली रिलैक्सेस, रिलैक्स होने के लिए कह रहा है वो। तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बेसिकली ह्यूमैनिटी का जो है ना वो रिलैक्सेशन है। अब ये रहा स्ट्रेसफुल आदमी और ये रहा रिलैक्स्ड आदमी। इस स्ट्रेसफुल आदमी को रिलैक्स होने के लिए आप तमाम प्रकार की चीजें यदि दे सकते हो तो आप बन जाओगे बहुत बढ़िया व्यापारी। सिगरेट का व्यापार, फिल्मों का व्यापार, पिज्जा का व्यापार, कोल्ड ड्रिंक का व्यापार, पॉन का व्यापार, राजनीति के सर्कस का व्यापार, हर व्यापार में आप देखो वो आदमी को रिलैक्सेशन दे रहा है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए क्या? सिर्फ पेट भर के सांसें। कितनी सांसें? जितनी आप ले सकें। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये अल्टीमेटली रिलैक्सेशन दे रहा है। बट इस रिलैक्सेशन की प्रोसेस में सिगरेट कंपनियां डाल देती है तमाम प्रकार के केमिकल्स। एक्चुअली टबैको इटसेल्फ इज नॉट कैंसरियस, टबैको इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल, बट व्हाट यू पुट विद दैट टबैको इन ऑर्डर टू मेक पीपल एडिक्टेड टू दोज केमिकल्स, दैट आर एक्चुअली द सेकेंडरी रीजन फॉर डैमेज ऑफ हेल्थ। कैंसर पैदा करने के लिए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी अंदर का ब्लॉकेज, स्ट्रेस, अंदर की रुकावट, बंधन, आपकी चेतना के अंदर के जो ब्लॉक हैं वास्तव में वे पैदा करते हैं कैंसर को। यह है कैंसर का राज। तो जो स्ट्रेसफुल आदमी है वो पहले से ही कैंसर की तैयारी में है उसका बॉडी और माइंड, लेकिन वो रिलैक्स होने के लिए अब वो सिगरेट पी रहा है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल केमिकल उसके शरीर में जा रहे हैं और उस प्रक्रिया को और तेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कार्बन है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो टार, वो धीरे धीरे उसके शरीर में जा रहा है और उस प्रोसेस को और तेज कर रहा है। और सिगरेट ने बेसिकली क्या, सांस कंट्रोल करके रख रखी है कि जब जब सिगरेट पिएगा आदमी तब तब रिलैक्स होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का प्राणायाम है। सिगरेट पीना एक प्रकार का प्राणायाम है। प्राण लिया भाई, सिगरेट के माध्यम से क्या जा रहा है? वो एक एयर ही तो जा रही है, लेकिन वो साथ में क्या लेके जा रही है? वो जो प्राणायाम है कितना घातक हो चुका है। तो एक बच्चे को, एक नागरिक को, एक विद्यार्थी को
सबसे पहला आपको संदेश ये देना होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहे अपने जीवन में, ना कि उसको लालच देना होता है, धन का लालच, प्रतिस्पर्धा का लालच, पद का लालच, उसके जैसा बनने का लालच, उसके जैसा बनने का लालच, इसमें क्या है, स्ट्रेस पैदा होता है। तो एक विराट व्यक्तित्व को स्वामी होना गलत बात नहीं है, अनंत प्रतिभाओं का आनंद तो नहीं, बहुआयामी प्रतिभाओं का धनी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सारे काम कब होने चाहिए, जब आप पहले रिलैक्स हैं, जब आप रिलैक्स्ड हैं, तब आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप लॉजिकली सोच सकते हैं, आप क्रिएटिवली सोच सकते हैं, आप विजन रख सकते हैं अपने जीवन के अंदर, आपके अंदर विल पावर होगी, आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होगी। बेसिकली जो भी कुछ व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है, जो करना चाहता है, जो होना चाहता है, उसका सूत्र तो स्ट्रेस फ्री होना है ना यार। तो स्ट्रेस फ्री होने को कभी कंसीडर नहीं किया गया, उसके पीछे भागने को हमेशा प्राथमिकता बनाया गया, स्ट्रेस फ्री होने को कभी प्राथमिकता में डाला ही नहीं गया, जिसकी वजह से इसके पीछे भागने वाला जो समाज है वो सिगरेट के पीछे भागता है, शराब के पीछे भागता है और तमाम प्रकार के स्टिमुलेंट्स के पीछे भागता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बात चैनी खेनी और जो गुटखा दबाने वाले लोग हैं ना, उन पर भी ये बात ट्रू होती है। मैंने एक से पूछा था कि ये दबाकर कैसा फील होता है, तो ऐसा बोलता है कि दबाने से ये धीरे धीरे रिश्ता है ना, रिश्ता है तो ऐसे घूमता है तो अच्छा लगता है। तो उसको अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि जिंदगी में और अच्छा लगाने वाले उसके पास कोई साधन नहीं, कोई मार्ग नहीं है। सदगुरु ने एक कहानी सुनाई थी कि एक आश्रम में मेडिटेशन करने के लिए एक गुरुजी के पास दो सुटेरिये गए, वो सिगरेट पीने के आदी थे। तो एक हफ्ते उन्होंने मेडिटेशन किया, उसके बाद सिगरेट की तलब लगने लगी। तो दोनों आपस में बात करने लगे कि यार कैसे हम सिगरेट पिए कि नहीं पिए, बाहर जाके पिए, गुरुजी से परमिशन ले लेते हैं, पूछते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो पहला आदमी गया गुरुजी के पास, बोले कि हम आपके पास यहां पर मेडिटेशन करने आए थे, तो मेडिटेशन के दौरान सिगरेट पी सकते हैं क्या? तो गुरुजी ने बोला नहीं, तो वो चला गया। दूसरा वाला जब गया तो वो परमिशन लेकर आ गया और वो आश्रम के बाहर जाके सिगरेट पी रहा। तो पहले वाले ने पूछा कि तेरे को कैसे परमिशन दे दी? तो दूसरा वाला बोलता है कि मुझे परमिशन मिल गई क्योंकि आपने पूछा, मतलब तुमने गुरुजी को ऐसा पूछा था कि मेडिटेशन के बीच में सिगरेट पी सकते हैं क्या, लेकिन मैंने पूछा कि सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं क्या, तो गुरुजी ने बोला हां, सिगरेट पीते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सिगरेट पीते हुए यदि मेडिटेशन कर सकते हैं, वन कैन बी मेडिटेटिव व्हाइल स्मोकिंग, वन कैन बी मेडिटेटिव व्हाइल ईटिंग, व्हाइल ड्रिंकिंग, व्हाइल रनिंग, व्हाइल एक्सरसाइजिंग, व्हाइल फकिंग, व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल राइटिंग, व्हाइल स्क्रॉलिंग द फेसबुक। तो यदि आपको वो मेडिटेट करना आ गया कोई भी कार्य करते हुए, और मेडिटेट करना आ गया का मतलब क्या है, रिलैक्स रहना आ गया। यदि आपको रिलैक्स रहना आ गया तो इस बात की नीड ही खत्म हो गई, दैट आई नीड टू हैव परमिशन टू गो आउट एंड स्मोक, मतलब उसकी तलब ही खत्म हो गई ना, बिकॉज स्मोकिंग का अल्टीमेट पर्पस रिलैक्स करना था, रिलैक्स तो मैं ऑलरेडी हूं, मैं तो कोई भी काम करते हुए रिलैक्स रहता हूं, कोई भी काम करते हुए मैं मेडिटेटिव रहता हूं। ठीक है, तो उसमें ये गहराई है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात आ जाती है। जो लोग किसी भी प्रकार के नशे से ग्रसित हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा वो ये कि जिस भी नशे से आप ग्रसित हैं ना, उसका पहली बात तो हवा नहीं बनाना है,
हवा कैसे बना जाएगा, उसको बंद करना है, उसको रोकना है, उसको अपनी जिंदगी से हटाना है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज है आपकी जिंदगी की, वो आपकी जिंदगी की बहुत बुरी आदत है जिसको आपको छोड़ना ही छोड़ना है। जब आप इस माइंडसेट से जाते हैं तो वो आदत कभी नहीं छूटती है, क्योंकि आपको समझना होगा कि वो बुरी आदत का रूट क्या है, वो आई कहां से है। वो आई यहां से है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है, रिलैक्सेशन की कमी है, आपकी जिंदगी में आनंद की कमी है, आपकी जिंदगी में भराव की कमी है, आपकी जिंदगी में सुपीरियरिटी की कमी है, आपकी जिंदगी में फुलफिलमेंट की कमी है। तो इंस्टेड ऑफ सोचने की ये, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की हाउ टू क्विट दिस, हाउ टू क्विट दैट, दिस और दैट, ये सब सोचने की बजाय आपको ये देखना है कि मानव जाति का कल्याण करते हुए और स्वयं का कल्याण करते हुए मैं अपने जिंदगी के अंदर ऐसी कौन सी सार्थक एक्टिविटीज कर सकता हूं जिससे मेरा भी, मेरा शरीर का विकास हो, मेरे मन का विकास हो, मेरी चेतना का विकास हो, समाज का विकास हो, ऐसे कितने अधिक से अधिक मैं एक्टिविटी कर सकता हूं। वो एक्टिविटी रूबी क्यूब सॉल्व करने भी हो सकती है, नानचाकू चलाने भी हो सकती है, जगलिंग करने भी हो सकती है, गिटार बजाने भी हो सकती है, पियानो बजाने भी हो सकती है, फ्लूट बजाने की भी हो सकती है, राइट टू रिकॉल छह नंबर यानी कि प्रेशर कुकर भी हो सकती है, बहुत सारा लिखने की भी हो सकती है, और बहुत सारा बक बक करने की भी हो सकती है, और बहुत सारा पढ़ने की भी हो सकती है, बहुत सारा ध्यान लगाने की भी हो सकती है, बहुत सारी फूफा कराटे करने की भी हो सकती है, बहुत सारा ट्रैवलिंग करने की भी हो सकती है, है ना, बहुत सारा ट्रैकिंग करने की भी हो सकती है। तो आपको उस तरफ सारा का सारा ध्यान और ऊर्जा लेके जानी है, और एक दिन आप पाएंगे कि जिस बुरी चीज को, कोट अनकोट बुरी चीज को आप अपनी जिंदगी से हटाना चाह रहे थे या दूर करना चाह रहे थे वो तो यार ऐसे है, मतलब क्या है, वो तो ऐसे जैसे कि ये मैंने निकाला और ये रख दिया, क्योंकि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी।